हे गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइज, आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं सैमसंग का बहुत ही पसंदीदा मॉडल सैमसंग S21 FE 5G। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बॉक्स है, जो कि फ्लिपकार्ट की ओर से हमने मंगाया है, तो इसको हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं। बट आपको यहाँ पे एक डब्बा नहीं, दो दो डब्बा मंगाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चार्जर इसके साथ, मतलब सैमसंग का जो ये सेट है, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G जो आपका ये मॉडल है, इसके साथ आपको नहीं आता है। इसके लिए आपको जो चार्जर है 25 वाट का, ये भी आपको साथ में मंगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, इन दोनों को साथ में देख लेंगे कि प्राइस वगैरह कितना पड़ता है, इसका प्रोसेसर वगैरह क्या है इसमें, इसका फिर कैमरा वगैरह कैसा है, ये सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल वे में देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको जैसा पता है कि डिलीवरी बॉय आते हैं तो वो पहले जो सील को तोड़ते हैं और फिर सारा कुछ का एक वीडियो भी बनता है। तो ये ऑलरेडी जो है इसका सील ब्रेक किया जा चुका है, तो इसको हम लोग सीधे तौर पे इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो जैसे निकालिएगा तो सामने कुछ इस तरह का केस देखने को मिलेगा और यहाँ पे डायरेक्ट सामने में फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक प्लास्टिक का कवरिंग के साथ ये रहता है। इस प्लास्टिक के कवरिंग को कोई मतलब नहीं है इसका, जैसे ही मिलता है इसको आप फेंक सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको बिल मिल जाएगा और इस डब्बे, छोटा सा डब्बा है देखिए, बिल्कुल छोटा सा, इसके अंदर में आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे। यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल भी मिलेगा और साथ में एक आपको केबल मिलने वाला है जो कि C-Type to C-Type डाटा केबल है बस, और इसके अलावे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बात करेंगे चार्जर का तो नहीं मिलेगा, चार्जर के केबल का तो वो भी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि ईयरफोन तो बहुत पहले ही कंपनी बंद कर दी थी, और इस ये जो फ़ोन है इसमें कहीं पे 3.5 mm ऑडियो जैक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको अगर यूज करना है तो सी टाइप वाला आप जो ईयरफोन होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डब्बे में अगर मैं बताऊँ कुछ, तो यहाँ पे कुछ खासा जो है यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स नहीं दिया गया है। तो हमारे पास जो ये वेरिएंट है, ये आप देख पा रहे हैं अलग अलग जो है कलर्स में आता है, बट हमने यह वाइट चूज़ किया था, बहुत ही डैशिंग लुक है इसका। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये हमने 8 GB रैम और साथ में रोम की बात करूँ तो 128 GB वाला वेरिएंट हमने चूज़ किया था, जिसका मुझे ऑफर प्राइस मैं आपको बिग बिलियन सेल का बता देता हूँ, ये मुझे 30,000 के अप्रोक्स मुझे ये पड़ा, जबकि मैंने अपना पुराना फ़ोन भी एक्सचेंज किया था। और नॉर्मली इसका अगर प्राइस देखिएगा फ्लिपकार्ट में तो 35-36 हज़ार आपको देखने को मिलेगा, और दूसरे साइट्स पे, दूसरे अमेजन वगैरह पे देखिएगा तो 40,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ़ोन तो हम ऐसे ओपन करके देख चुके हैं, फ़ोन ओवरऑल अच्छा है। इसका कुछ प्रोसेसर वगैरह के बारे में आपको बता दें तो सैमसंग का देखिए 2100 प्रोसेसर इसके अंदर है। उसके बाद अगर कैमराज की बात करेंगे तो 12, 12 और 8, तो ये जो आपका बैक कैमरा है तो 12 मेगापिक्सल, ये हो गया 12, ये 12 और ये 8 मेगापिक्सल। एक फ्लैश लाइट दिया गया है, और आगे का बात करेंगे तो सेंटर जो है, सेंटर में दिया गया है यहाँ कैमरा, और ये आपका 8 मेगापिक्सल का है, और सॉरी 32 मेगापिक्सल का है। अगर बात करेंगे इसकी बैटरी का, तो बैटरी इसमें 4500 mAh की दी गई है, और साथ ही साथ अगर इसका जो है डिस्प्ले का साइज़ बोलिएगा तो ये आपका 6.4 इंचेस का है, 6.4 इंचेस का डायनेमिक एमोलेड स्क्रीन है। तो हमने इस स्क्रीन को, मतलब फ़ोन को जो है ऑन भी करा है, और एक बार ऑलरेडी हम इसको ऑन करके इसमें जो है इंस्टॉलेशन का काम कर चुके थे, तो डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे बूटिंग में थोड़ा सा समय तो लग रहा है, और एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो 12 OS है, इस मतलब कि लेटेस्ट जो एंड्रॉयड वर्जन है उसी पे ये बेस्ड है, और 128 GB वाला वेरिएंट यहाँ पे हम लोग है। तो यहाँ पे इसको मैं ऑन होने देता हूँ, तो गाइज ये समय ले रहा है, तब तक मैं इस जो चार्जर है इसका अनबॉक्सिंग कर लूँ। तो गाइज ये फ़ोन हमारा ऑन हो गया है, और तब तक जो है हम यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो ये जो हमारा चार्जर का जो डब्बा है इसका भी जो है इस कैंची के सहारे से इसको हम लोग खोल लेते हैं, और इसको भी हम खोल लेते हैं। और यहाँ देखिए इसके अंदर में जो चार्जर है, ये 25 वाट का आपको लेना होगा सैमसंग का। देखिए ये सुपर फास्ट चार्जर है जो कि कंपनी रेकमेंड करती है, ये आपको लेना भी चाहिए, यही सी से आपको इसको, इस फ़ोन को चार्ज करना चाहिए ताकि बैटरी भी, लाइफ भी इसका सही रहेगा। और यहाँ पे अगर आउटपुट की बात करेंगे तो 3 एम्पियर तक ये आउटपुट देगा, और जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो 5 वोल्ट तक, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये चार्जर आप लोग के लिए रिकमेंडेड है। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए चार्जर जो है, चार्जर सिर्फ जो चार्जर इसके साथ देखिए सैमसंग का जो लिए हैं तो सिर्फ चार्जर आया है, और जो डाटा केबल है ये आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो USB टाइप तो नहीं है, यहाँ पे भी C-Type डालिए, और इस फोन में भी अपना C-Type इंसर्ट करके आप इस तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है, और इसका प्राइस की बात करेंगे लगभग 1000 रुपीज़ आप
फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। तो ये हमारा फ़ोन देखिए ऑन हो चुका है बिल्कुल, और थोड़ा सा यूज हुआ है, इस वजह से चार्ज जो यहाँ पे कम है, 13% हो गया है। बट अगर इसको खोलते हैं तो ये देखिए इस तरह कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अबाउट फोन में चलते हैं हम लोग। तो सेटिंग्स हम लोग यहाँ खोल लेते हैं, और सेटिंग्स खोलने के बाद यहाँ पे जो है आपका अबाउट फोन में चलेंगे, और यहाँ पे देख पाइएगा तो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में अगर मैं चलता हूँ तो देखिए वन यूआई वर्सन 4.1 जो सैमसंग का है, और एंड्रॉयड वर्सन यहाँ पे 12 है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखिएगा तो गूगल प्ले सिस्टम अपडेट 1 सितंबर 2022 का लेटेस्ट डाला गया है, और यहाँ पे जो कर्नल वर्जन ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो ये हो गया। अब मैं आप लोग को यहाँ पे ये जो फ़ोन है इसका थोड़ा डिस्प्ले के बारे में बताऊँ, तो डिस्प्ले तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगा है मुझे, और बहुत मतलब कि फास्ट ही लगा है। ऑल राइट, यहाँ पे देखिए अगर मैं यूट्यूब में आपको साउंड क्वालिटी भी चेक कराता हूँ, तो देखिए यहाँ पे यूट्यूब मैं खोलता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए मतलब कितना स्मूथनेस है इस फ़ोन में, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं सॉन्ग प्ले करूँ NCS म्यूजिक, तो आप इसका आवाज़ का क्वालिटी सुनिए। तो ये मैं प्ले कर रहा हूँ, आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, वॉल्यूम मैं फुल कर दिया हूँ अभी। तो ये आपने आवाज़ सुना, बढ़िया आवाज़ है, आपको अच्छा फील होगा इसमें। दूसरी बात कि कैमरा के बारे में तो इसको बताना नहीं है मुझे, क्योंकि ये आपको पता होगा कि सैमसंग का जो ये फैन एडिशन है, और इसका जो कैमरा का क्वालिटी है बहुत ही लाजवाब है। अगर मैं बैक की बात करूं तो इससे तो चांद तक का फोटो आप ले सकते हैं, और हमने लिया भी है, आपको मैं दिखाई देता हूं सबसे पहले। तो ये देखिए हमने जो है फ़ोन लेने के साथ सबसे पहले यही प्रैक्टिकल किया था, और ये कैमरा से देखिए इससे हमने लिया है, चांद का फोटो लिया था। अब बिल्कुल जो चांद में जो दाग है ना वो भी आप यहाँ पे देख पाइएगा। हालांकि ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें आपको बहुत अच्छे से पता नहीं चलेगा, इसका ओरिजिनल जब आप देखिएगा ये जैसे आपको रेडिस दिख रहा है ना, वो उसमें आपको नहीं दिखेगा जब ओरिजिनल इसका पिक देखिएगा। तो इसका जो है ओरिजिनल पिक मैं आप लोगों को और फिर इसके कुछ कैमरा के सैंपल्स भी आप लोगों को मैं जो हूँ डाल दूंगा, ड्राइव में दे दूंगा। दूसरी बात कि कंपैरिजन वीडियो भी आपको मैं देने वाला हूँ बहुत जल्दी, जहाँ की रियलमी का फ़ोन है जो कि रियलमी नियो GT 3T जो आपका फ़ोन है, इतना लंबा नाम ही है कि वो स्लिप ऑफ टंग होता ही है। खैर, तो वो वाला फ़ोन और इधर सैमसंग का ये वाला फ़ोन के साथ कंपैरिजन करूँगा मैं, जिसमें आपको दिखाऊँगा कि कैमरा का कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे चलिए मैं कुछ सैम्पल्स भी क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे हमने ये फ़ोटो लिया और इसको जैसे जूम करते हैं, देखिए जूम करने के बाद ये कितना ज़्यादा जूम हो रहा है, देख रहे हैं। और ये जितनी भी चीज़ें हैं बिल्कुल डिटेल्स आप क्लियरली इस पे देख पाइएगा, क्योंकि जब कैमरा सैमसंग तो कैमरा के लिए जाना जाता है, तो इसमें आपको कोई डाउट होने वाला नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं होगा। जूम बहुत बेहतर वे में आप कर पाइएगा, बहुत ज़्यादा जूम होगा। एक चीज़ और सरप्राइजिंग बात आपको मैं बता दूं कि अगर डिब्बा देखिएगा ना इसका, देखिए यहाँ पे अगर आप देख पाइएगा कि 7499 इस डब्बे में डाला गया है इसका प्राइस इस फ़ोन का, बट ये आपको हकीकत में जो है 30,000 तक में मिल जाता है। पता नहीं ब्रांड्स इस तरह का जो है इतना हाई प्राइस क्यों डाल देता है। खैर, जो भी बात है, बट यहाँ पे आप लोग को प्रोसेसर की अगर बात करेंगे तो ये प्रोसेसर जो है गेमिंग के लिए प्रोसेसर नहीं है, बेसिकली नॉर्मल पर्पज़ के लिए कैमरा वगैरह के लिए ठीक है। बट एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, यूज़ तो कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक यूज कर रहे हैं, नॉर्मल यूज कर रहे हैं, नॉर्मल यूजर से पता नहीं ये फ़ोन हीट क्यों हो रहा है। अभी जैसे मैं ये यहाँ पे जितना देर भी किया हूँ काम, तो ये फ़ोन जो है गर्म महसूस हो रहा है। आगे स्क्रीन ये भी गर्म हुआ है और इस साइड भी गर्म है। अब ये पता नहीं गर्म किस वजह से है, अभी फ़ोन न्यू है, हो सकता है अपडेट वगैरह हो रहा है, इस वजह से हाई यूज हो रहा है प्रोसेसर का, इस वजह से गर्म होगा। बट आने वाले वीडियोस में अगर आप लोग कमेंट्स में बोलिएगा तो मैं इस पर जो है क्या इसका आगे का परफॉर्मेंस रहता है 1 सप्ताह के बाद, 10 दिन के बाद, तो मैं वीडियो जरूर से जरूर आप लोग के लिए पोस्ट करूँगा। तो इतनी चीज़ें आप लोग को मिलती है डब्बा में, तो होपफुली आप लोग लेते हैं, तो आप लोग अपना कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, धन्यवाद।